सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आप देख रहे हैं बने रेम्स। तो आज आपके लाए हैं टाटा टियागो एग्जेड प्लस डुअल टोन BS6 2020 वेरिएंट। आप अपने स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। तो आज सारी बात करेंगे इस कार के बारे में, इसमें आपको कैसे फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन और क्या प्राइसिंग होने वाली है। सो वीडियो पर अगर आप लोग आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो दोस्तों। सब्सक्राइब करें बर्नी रिम्स चैनल को और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस और कोई भी अपडेट्स को कभी मिस ना कर पाएं। सो टाटा टियागो में आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं आएगा। 5-speed MT और 5-speed AMT का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। टोटल 6 कलर ऑप्शंस के साथ आपको मिल जाती है और इसमें आपको टाटा टियागो में 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। ग्लोबल एनकैप की तरफ से 4-star की रेटिंग मिली है इस कार को, तो सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है टाटा ने। इसमें आपको 4-star की सेफ्टी मिल जाती है और कुछ इस तरीके से इसमें आपको 2 की मिलेंगी। एक इसमें एक स्मार्ट की मिलती है फ्लिप की के साथ, दूसरी आपको नॉर्मल की मिलेगी जिसमें आपको लॉक अनलॉक और हेडलैम्प्स के बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने पे आपके ORVMs ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड होते रहेंगे कुछ इस तरीके से। ये डायरेक्ट कम्पीट करती है मारुति वैगनार, ह्यूंडई सेंट्रो, मारुति स्विफ्ट, तीनों में सेफ्टी की बात करें तो 2-star मिले हैं। और कुछ ऐसी इसकी फ्रंट हेडलैम्प्स मिलेंगी आपको, ब्लैक इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाती है, ट्राई एरो शेप का डिज़ाइन मिल जाता है फ्रंट रेडिएटर ग्रिल में। काफ़ी हैवी और मस्कुलर लगती है, हैचबैक के सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टियागो। कुछ इस तरीके से आपको ORVMs मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल LED इंडिकेटर्स के साथ आपको ORVMs मिल जाते हैं। सॉरी वीडियो ब्लर हो गई थी। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे टायर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्पोर्टी R15 का डुअल टोन में अलॉय व्हील मिलेगा, ग्रे एंड ब्लैक कलर की फिनिश मिलती है और मैकपर्सन स्टड्स के सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरीके से। और अब अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो इसका बोनट खोल लेते हैं। इसमें आपको 1.2 लीटर पेट्रोल रेवट्रॉन BS6 इंजन मिलता है। इसमें 3-cylinder का इंजन मिलता है जिसमें आपको 86 PS की पावर मिलेगी और 113 Nm का टॉर्क मिलेगा 23.8 kmpl माइलेज के साथ। कुछ इस तरीके से आपको इंजन देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आप अपने वॉशर्स के लिए पानी भर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ यहाँ पे आपको बैटरी कंपार्टमेंट और अपना रेडिएटर के लिए पानी भर सकते हैं, कूलेंट भर सकते हैं और ऐसा आपको इंसुलेशन मिलती है। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं अभी आपके बोनट को। और अगर आप बात करें कार के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको इंजन इमोबिलाइजर, ABS विथ EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ओवर स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स, स्पीड डिपेंड ऑटो डोर लॉक्स, फॉलो मी होम लैम्प्स का फीचर मिल जाता है, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है। कोशिश करूँगा आपको साइड से कार पूरी दिखा पाऊँ। कुछ इस तरीके से आपको साइड से कार देखने के लिए मिलने वाली है। पीछे कार के बूट की जगह थोड़ी कम है तो मैं शायद थोड़ी सी कंफर्टेबल ना हूँ। और यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसमें आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। कुछ ऐसा आपको पीछे से व्यू देखने के लिए मिलने वाला है, डुअल टोन है, रूफ ब्लैक मिलती है। कुछ ऐसी आपको यहाँ पे टेल लैम्प का सेटअप देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा भी आता है इस मॉडल में कुछ इस तरीके से। नीचे आपको ब्लैक डिज़ाइन देखने के लिए मिलने वाला है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको इसमें। यहाँ पे आपको वाइपर्स और डीफॉगर्स मिल जाते हैं। डीफॉगर्स का कुछ नया डिज़ाइन है, यहाँ पे एक रेनबो टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, काफ़ी यूनिक लगता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, ऊपर आपको ब्लैक रूफ मिलती है, स्पॉइलर भी आपको ब्लैक मिलता है। कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपको अल्ट्रॉज में भी देखने को मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है और रेयर कैमरा मिल जाता है, की प्लेसमेंट के नीचे टियागो की बैजिंग, टाटा का लोगो। तो चलिए अब बूट को ओपन कर लेते हैं। की से अनलॉक करनी पड़ेगी आपको बूट, आप अगर इसे होल्ड करके रखेंगे तो बूट आपकी डायरेक्टली अनलॉक हो जाती है, आपको कोई बटन्स वगैरह का यहाँ पे फीचर नहीं मिलेगा। कुछ इतनी हाइट पे बूट आपकी बूट गेट जाता है, टेल गेट। तो इस तरीके से आपको पीछे स्पेस देखने के लिए मिलने वाले हैं। रियर पार्सल ट्रे भी आती है, आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसमें आपको टोटल 242 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पे कुछ ऐसा आपको सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, बूट में आपकी कोई कमी महसूस नहीं होगी जगह के लिए। आपकी सीट 100% फोल्ड हो सकती हैं, 40-60 या फिर 50-50 का फोल्ड फीचर नहीं आता है। नीचे आप उठाएंगे तो यहाँ पे स्पेयर व्हील आपको मिल जाती है, टूल किट आपको ऊपर मिलेगी यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से आपको बूट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं अब इसके बूट को।
और आप जैसे ही बूट को आप गेट बंद करेंगे तो वो डायरेक्टली लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बात करें कार के टोटल लेंथ के बारे में, तो इसमें आपको 3.7 मीटर्स की टोटल लेंथ मिलती है, कुछ इस तरीके से साइड लुक आता है। पीछे वाले टायर्स आपको अलॉय व्हील्स के साथ कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे, सस्पेंशन कुछ ऐसे हैं, साइड से आपको कुछ ऐसा लुक देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब ड्राइवर साइड डोर, और ये है फ्रंट के ORVMs, तो अनलॉक कर लेते हैं फ्रंट ड्राइवर साइड डोर को। थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको फ्रंट डोर देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें आपको डुअल टोन मिलता है डोर पे, यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, जिन्हें आपकी जब की होगी तभी आप उन्हें एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको सारे। नीचे आपको स्पीकर और बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाती है, कुछ इस तरीके से आपको पूरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, कुछ ऐसी सीट्स मिलती हैं आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कुछ इस तरीके से आपको सीट्स देखने के लिए मिलने वाली है। सीट्स में एडजस्टमेंट में आपको रिक्लाइन और हाइट एडजस्ट दोनों कर सकते हैं आप अपनी सीट्स के। यहाँ पे आपको बूट और अपना फ्यूल गेज ओपन करने का लिवर मिल जाता है। यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके से रेड थीम भी इंसर्ट करी हुई है डैशबोर्ड में। तो चलिए बैठते हैं अब कार के अंदर और डोर को कर लेते हैं क्लोज। कुछ इस तरीके से आपको एक ओवरव्यू देखने के लिए मिलने वाला है। डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको और कंट्रोल्स भी मिलते हैं आपको। बीच में यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील पे आपको पियानो फिनिश मिल जाती है। कुछ ऐसा एक ओवरव्यू आपको देखने के लिए मिलेगा डैशबोर्ड का। काफ़ी वाइड डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे आपके कॉइन स्लिप्स रखने के लिए। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे एक व्यू देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब कार को स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है। आपको स्पीडोमीटर आरपीओ मीटर दोनों ही आपको इसमें डिजिटली मिलेंगे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को बंद कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है आपका। यहाँ पे फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पे 6.3 सेंटीमीटर की MID मिल जाती है, जिसमें आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम विद डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट डिस्प्ले, ट्रिप मीटर, ट्रिप एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, टैकोमीटर, डोर ओपन एंड की इन रिमाइंडर का भी इसमें आपको फीचर मिलता है MID में। कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील है, डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन के और कॉल रिसीव एंड वॉइस कमांड डिस्कनेक्ट के बटन्स मिल जाते हैं बीच में टाटा के लोगो। राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पे कोई भी स्टेयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपकी हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे हजार्ड लैम्प का बटन मिल जाता है। एसी वेंट्स कुछ ऐसे हैं, क्रोम फिनिश मिल जाती है एसी वेंट्स पे, ब्लैक पियानो फिनिश भी मिलती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, हार्मन का इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, कनेक्ट नेक्स्ट फीचर एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो, 4 स्पीकर 4 ट्विटर का इसमें आपको सिस्टम मिलता है, FM, USB, आईपॉड कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन बुक एक्सेस, ऑडियो स्ट्रीमिंग, कॉल रिजेक्ट विद SMS फीचर, वॉइस कमांड रिकॉग्नाइजेशन थ्रू एंड्रॉयड ऐप, इमेज एंड वीडियो प्लेबैक का काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, कुछ इस तरीके के आपके फीचर्स मिलते हैं सारे। और यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के। नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिलता है, यहाँ से आप अपने ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, नीचे AC के रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको ऑक्स और USB और एक 12V का पावर सॉकेट मिलता है। नीचे आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, आप अपना फ़ोन वॉलेट या फिर कुछ भी चीज़ आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, AMT का भी ऑप्शन आता है इस टाटा टियागो में। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं आता है, हैंड ब्रेक है और 2 ग्लास या फिर बॉटल होल्डर कह सकते हैं कि स्पेस मिलने वाली है। कुछ ऐसा आपको डोर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको डुअल टोन डोर में मिलता है। कुछ ऐसा आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर मिलता है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, यहाँ पे आपको वैरायटी में मिरर मिल जाता है।
ड्राइवर साइड वैनिटी में आपको मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर के साथ आता है, इसको यहाँ रख देते हैं। और यहाँ से आप अपना ग्लव बॉक्स खोल सकते हैं, कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स का लुक है, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपको दो कंपार्टमेंट्स मिलते हैं, ऊपर लैपटॉप वगैरह रख सकते हैं आप अपना, नीचे काफ़ी स्पेस है, कुछ ऐसा एक व्यू है। तो चलिए अब ग्लो ऑफ कर लेते हैं कार को और चलते हैं इसके रियर सीटिंग्स में, वहाँ आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली, कैसा कंफर्ट मिलेगा, सब आपको पीछे बताते हैं। कुछ ऐसा आपको डोर हैंडल मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स आते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं गेट को। जिस तरीके से आपको डोर देखने के लिए मिलने वाला है, इसमें आपको डुअल टोन डोर मिलता है, क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं, ट्विटर्स मिल जाते हैं पीछे आपको, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको डोर आर्मरेस्ट मिलता है, नीचे स्पीकर्स मिल जाते हैं बॉटल होल्डर के साथ, पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, कुछ इस तरीके से व्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए बैठते हैं अब सेकंड रो में। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट अकॉर्डिंग एडजस्ट की नहीं थी, काफ़ी पीछे थी सीट, मैं भूल गया था सीट एडजस्ट करने में, पीछे आपको लेकिन एवरेज स्पेस मिलेगी, स्पेस में पीछे आपको कमी नहीं होगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ पे आपको LED लैंप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कुछ ऐसे आपको फिक्स हेडरेस मिलेंगे, कोई आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है सॉरी हैंड ग्रैब हैंडल मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं कार के बाहर, और कार आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली ही ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है संतोष, आप देख रहे थे बर्निंग रिम्स, टेक केयर, बाय बाय।